अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट परवेज कोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा बेल के बारे में। तो दोस्तों, जब भी किसी बंदे के खिलाफ कोई एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद वो पुलिस को रिक्वायर्ड होता है और उसमें उसके पास बेल की रेमेडी होती है कि वो सरेंडर बिफोर द कोर्ट एंड गेट प्री अरेस्ट बेल टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा और इन्वेस्टिगेशन में अपनी बेगुनाही के सबूत देगा और उस पर पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करेगी। और इन केस वो अरेस्ट हो जाता है तो उसमें फिर उसके पास रेमेडी है पोस्ट अरेस्ट बेल की। पोस्ट अरेस्ट बेल में वो अपनी जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेगुनाही के सबूत दिए होते हैं उन तमाम प्रूफ्स को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि ये बंदा एलिजिबल टू बेल है या इसका गिल्ट इतना है कि अभी इसको बिहाइंड द बार रखा जाए। तो दोस्तों, ऐसा एक केस ऑनरेबल बलूचिस्तान हाईकोर्ट में आया जिसमें एक बंदा मर्डर हुआ और उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 302 PPC FIR दर्ज हुई। FIR में नॉमिनेट किया दो लोगों को कंप्लेनेंट ने, बट द अक्रेंस वाज ब्लाइंड अनसीन अक्रेंस। को अक्यूज ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडमिट किया कि अक्यूज ने उसके साथ मिलकर डिसीज्ड का मर्डर किया है। जब बेल की बात आई, ट्रायल कोर्ट ने बेल डिसमिस फरमाई और हाई कोर्ट में आई बात, हाई कोर्ट ने ना सिर्फ बेल अलाउ की बल्कि उसमें होल्ड फरमाया। तीन ग्राउंड्स की बुनियाद पे बेल अलाउ फरमाई और होल्ड किया। नंबर एक, दैट वाज ब्लाइंड अकरेंस, उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। दूसरा, आफ्टर 14 डेज आइडेंटिफिकेशन परेड कराई गई जो कि कानूनी तौर पर डिफेक्टिव है, और 14 डेज उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया जो कि लीगली अलाउ नहीं है। अगर किसी की आइडेंटिफिकेशन परेड रिक्वायर्ड होती है तो उसको जेल भेजा जाता है और वहाँ उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। और तीसरा, उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में को एक्यूज ने आइडेंटिफाई किया एक्यूज को, जबकि कंप्लेनेंट ने उसको आइडेंटिफाई करना था को अक्यूज, तो उसको जानता था। उसके साथ अगर मान ली जाए उसकी बात, अलग जो कर रहा है वो कि हमने मिलके मर्डर किया, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन पैरेड है वो इलीगल है। तीसरा, उसमें वो गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स लिए गए और वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो अक्यूज के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते थे। तो इन तीन बातों को बेस बनाते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने होल्ड फरमाया कि दिस इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड नो मोर फिजिकल कस्टडी इज रिक्वायर्ड बाय द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो अक्यूज्ड हैज बीन एडमिटेड टू बेल। ये केस था दोस्तों बलूचिस्तान हाईकोर्ट का, MLD 2022 पेज 1773। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमें याद रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।